हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बिकॉज आप में से बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि आपके जो भी पर्सन हैं आपकी बात नहीं हो रही और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जनरल रहेगी, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। आपका जेंडर कुछ भी है, आपका साइन कुछ भी है, आपका एज कुछ भी है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, आपने अपने पर्सन पर फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही मैं चैनल्स पर रीडिंग्स लेकर आया करूँगी। अगर आप चाहें तो कोई अच्छा टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, आपको ईमेल भी मिल जाएगा। मेरा इंस्टा भी और फेसबुक भी फॉलो भी करिएगा मुझे इंस्टा और फेसबुक पे। या एंड इंस्टाग्राम पे मैंने डेफिनेटली आगे लाइव सेशन भी स्टार्ट करने हैं फ्री रीडिंग्स, तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पर फोकस रखिए, स्टे पॉजिटिव। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर्स, उनके पर्सन की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करिए। पॉजिटिव रहिए गाइस, स्टे फोकस्ड, अपने पर्सन पे फोकस करिए, ठीक है। वैसे भी आजकल जो है वो न्यू मून की एनर्जी चल रही है, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले। ओके, वी हैव डेथ एंड वी हैव द लवर्स। नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो जेमिनी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं आप स्टार साइंस बताया करें, राशि बताया करें, तो भाई मैंने राशि बताई होती है, स्टार साइंस बताए होते हैं, आप रीडिंग को पूरा एक बार देख लिया करें फिर बोला करें कुछ। ओके, अदरवाइज जो मैसेज मुझे मिल रहे होते हैं मैंने वो आपको डिलीवर करने होते हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर 1, नंबर 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस टाइम आपके पार्टनर्स की लाइफ में एक बिग शिफ्ट चल रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है वो यही दिख रही है कि आपके पार्टनर में हो सकता है आपके पार्टनर को इस टाइम इसकी लाइफ में या तो किसी ने चीट की है या फिर आपके पार्टनर इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन में है, किसी तरह की कोई पेन से बाहर आना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन उस पेन से बाहर आने की, या तो आ चुके हैं या फिर वो इन प्रोसेस हैं। बिकॉज राइट नाउ आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली अपसेट, मेंटली बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में दिख रहे हैं। यस, हो सकता है या तो इन्होंने इनको किसी ने बहुत बुरी तरह से कोई बैक स्टैबिंग की है, कोई लेडी हो सकती है फीमेल जिसने उनको कोई स्टैबिंग की है, या फिर हो सकता है इनको किसी तरह से कोई लाइक मनी में लॉस हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को किसी ने हो सकता है धोखा दिया है किसी मनी में। यस, बिकॉज इस टाइम आपके पार्टनर को किसी ने बहुत बुरी तरह से इनको हर्ट किया है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आप भी हो सकते हो यहाँ हर्ट किया, यहाँ पर कोई फीमेल फिगर हो सकता है, इस पर्सन की अपनी मदर भी हो सकती है, ये भी सिचुएशन है। या फिर अगर किसी सिचुएशन में है ये किसी और के साथ, इनकी लाइफ में कोई और है, तो उस वजह से शायद, क्योंकि ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं दिख रहा, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली विद द डेथ एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस टाइम इनकी अवेकनिंग भी चल रही है एक चीज़, और दूसरा ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को एंड करके एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक मैसी सिचुएशन चल रही है, और ये हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया है, अपने मदर फादर को, या बहुत ही ज़्यादा किसी डियरेस्ट वन को, जिसकी वजह से इनको लग रहा है इनकी लाइफ टोटली चेंज ही हो गई है, या किसी ने अगर इनको हर्ट किया, किसी ने धोखा दिया, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफ़ी शेक हो गई है और आपके पार्टनर इस टाइम अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर पास्ट की हर चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करके एक रियूनियन करना चाह रहे हैं किसी ओल्ड पर्सन से, ओल्ड लवर से, जिनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ये अपने लवर से मिलना चाह रहे हैं ये पर्सन।
अब लवर आप भी हो सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज लवर्स एंड डेथ की एनर्जी है। जैसे ये पर्सन किसी पास्ट की चीज़ को छोड़ के अपने पास्ट में जो भी इनके चल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, वहाँ से एंडिंग करके, जो भी राइट नाउ करंट सिचुएशन है वहाँ से एंडिंग करके ये पर्सन अपने लवर से मिलना चाह रहा है, अपने लवर से मीटिंग करना चाह रहा है, जिसके साथ कभी इस पर्सन की रिलेशनशिप अच्छी थी, जिसको इसने धोखा दिया था, जिसको इसने छोड़ दिया था, जिसको इस पर्सन ने परेशान किया था, मेंटली स्ट्रेस दिया था। इस टाइम आपके पार्टनर को खुद काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। इसकी लाइफ में बहुत लेसन सिखाए जा रहे हैं, बहुत चीज़ों के एक्सपीरियंस करवाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की चीज़ों की रियलिटी देख रहा है ये पर्सन, क्योंकि इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है। स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं है। जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग था, बहुत नर्चरिंग था, उसी ने मुझे लगता है इस पर्सन की बैक स्टैबिंग की है। वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, यस काफ़ी कन्फ्लिक्ट, काफ़ी ईगो क्लैशेस चल रहे हैं इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में। नंबर फाइव किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों से बिल्कुल हॉट टॉक, स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं, कि जो भी इनके दिल में आ रहा है, जो भी हो रहा है ये पर्सन बोली जा रहा है बिना किसी सोचे समझे। काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं ये। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी लवर से मीटिंग करना चाह रहा है, जिसके साथ ये फैमिली बनाना चाह रहा है, क्योंकि और किसी से बन नहीं रही इस पर्सन की। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस ये पर्सन काफ़ी अकेला है अपनी लाइफ में, काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और ये किसी के साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस टाइम अपने लवर से। देन वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड, या थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली इनका दिल टूटा हुआ है गाइस। काफ़ी हार्ट टेक की एनर्जी है, काफ़ी ग्रीफ, काफ़ी सोरो दिख रहा है। आपके पर्सन इस टाइम टोटली बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ फील कर रहे हैं अपना। मुझे लगता है किसी ने इनको पेन दिया, किसी ने इस पर्सन को हर्ट किया, किसी ने इसको धोखा दिया, और अब तभी इसको समझ आ रही है कि पेन होती क्या है। काफ़ी हर्ट है ये पर्सन, हार्ट टेक की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। देन वी हैव द टॉवर, यस बैक टू बैक एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है टोटली इनकी लाइफ में सरप्राइजली, शॉकिंगली, बैक टू बैक इनको कुछ न्यूज़ ऐसी मिल रही हैं, या किसी तरह से कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जिससे इनकी लाइफ टोटली बैलेंस आउट होता जा रहा है। डिस्ट्रक्शन फेस कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। मुझे लगता है इनको कोई धोखा दे रहा है कोई इस पर्सन को, या तो किसी ने इस पर्सन को चीट किया है, किसी ऐसे पर्सन ने चीट किया जिस पर्सन पे इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और उसने ऐसा इसको अकेला छोड़ा कि ये पर्सन की लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई है। दैट्स वाई यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि अपनी लाइफ में ये हर एक इंसान को नाराज करते जा रहे हैं, बहस में ये पर्सन जीतता जा रहा है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनकी लाइफ काफ़ी चेंजिंग हो रही है। जैसे इस पर्सन ने अपने काफ़ी लोगों को खो दिया जिन पे इसको काफ़ी ट्रस्ट था या बड़ा मान था, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर की सोल अवेकनिंग हो रही है गाइस, यस सोल कॉल कर रही है इस पर्सन की, इसको अपने कर्मा मिलने हैं, बिकॉज द टॉवर एंड जजमेंट, ये पर्सन अपना किया फेस कर रहा है। जो भी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कर्म किए हैं ये उसको फेस कर रहा है इस टाइम। ये यूनिवर्सल की तरफ से है द टॉवर सिचुएशन। द टॉवर जब भी आती है यूनिवर्स की तरफ से आती है, जो इंसान ने जो किया होता है वो अपनी लाइफ में फेस करता है। आपके पार्टनर का इस टाइम जजमेंट टाइम चल रहा है, यूनिवर्स उसको जज कर रही है कि जो भी इसने कर्म किए हैं उसका, चलो जी अब आओ फेस करो वो सब कुछ। 20 के नंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरी स्टार साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैगिटेरियस एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 20 प्लस एज भी दिख रही है मुझे इनकी। आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है वो है 55। 30 प्लस एज भी है इस पर्सन की, 39, 36, 34, 35 एंड 37। 20 प्लस है, 29, 26, 25, 23, 27, 24। जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेने हैं। तो इस टाइम आपके पार्टनर डेफिनेटली गाइस जो इन्होंने किया वो फेस कर रहे हैं, और दुआ कर रहे हैं कि इनका जो भी हार्ड टाइम चल रहा है, टफ टाइम चल रहा है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, गुजर जाए इस पर्सन का ये जो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है।
क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत पुराने पुराने अपने कार्मा फेस कर रहा है, जो इसने काफ़ी टाइम से किसी के साथ बुरा करके भी ये पर्सन भूल गया था, वो चीज़ें फेस कर रहा है ये पर्सन। सोल कॉलिंग हो रही है इस पर्सन को अपना, जो भी इसने बुरा किया किसी के साथ भी, आपके साथ उस आपके अलावा किसी के साथ, सब कुछ फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो इस टाइम इनके लाइफ में काफ़ी टफ टाइम चल रहा है, इनकी अपनी लाइफ में लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अपने आप को तन्हा हो फील कर रहे हैं, तन्हा हो गया, अकेला हो गया ये पर्सन। इसको फाइनेंशियली भी लॉस होता जा रहा है, इस पर्सन को इमोशनली भी होता जा रहा है, फाइनेंशियली भी होता जा रहा है। हर काफ़ी लोगों के इस पर्सन ने रियल फेसेस देखे हैं, जिनको कभी इस पर्सन को बड़ा मान था कि वो इस पर्सन के बहुत वेल विशर हैं या बहुत सके हैं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है और ये आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग, तो क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, अगर आप किसी ना किसी तरह से उनको स्पाई कर रहे हो या फिर किस तरह से आपको कोई ऐसा पर्सन है इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो ऑब्वियसली आपको पता तो होगा कुछ ना कुछ। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।